प्रतापगढ़ में एसडीएम द्वारा वरिष्ठ सहायक के साथ मारपीट मामले को लेकर आज आगरा कलेक्ट्रेट और तहसीलों में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते कामकाज पूरी तरह ठप रहा। प्रतापगढ़ में एसडीएम के वरिष्ठ सहायक को पीटने के विरोध में आज आगरा कलेक्ट्रेट और तहसीलों में कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते कामकाज बंद रहा और आगरा में कलेक्ट्रेट और जिले की सभी तहसीलों में सोमवार को तालाबंदी के कारण कामकाज बंद रहा। प्रतापगढ़ में एसडीएम द्वारा वरिष्ठ सहायक के साथ मारपीट प्रकरण के विरोध में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन हुआ। हमारी मांग यही है कि हमारे वरिष्ठ साथी सुनील शर्मा जी को एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव जी के द्वारा पीट करके उनकी आत्महत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनको प्रतापगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। उनकी मृत्यु होने के बाद पंपिंग की गई, परंतु दुर्भाग्य है कि उनके जीते जी उनकी प्राथमिकी पुलिस द्वारा नहीं ली गई। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के द्वारा जब जिला अधिकारी प्रतापगढ़ से मांग की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया, तब उनकी FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज तो दबाव में करा दी गई, परंतु अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो भूमगत हैं। ऐसे SDM को मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गुंडा माफ जो राज चल रहा है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसे गुंडा और हत्यारे SDM की संपत्ति को कुड़क करके बुलडोजर चलाया जाए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति दिलाई जाए और परिवार के कर्मचारियों को जो उनके साथी एक नाबालिग बच्ची है उनको पारिवारिक पेंशन दी जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। आज का ये जो प्रकरण है वो आप अखबार में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी घटना एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह एक उपजिलाधिकारी हैं, तहसील लालगंज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। उन्होंने एक हमारे कर्मचारी जो नायब नाजिर तहसील लालगंज में कार्यरत थे उनके साथ दुर्भावनापूर्ण तरीके से मारपीट की और मारपीट के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ उनकी डेथ हो गई है। तो पूरे हमारे प्रदेश में हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुशील कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने पूरे प्रदेश में ये आह्वान किया है, हमारी जो मांग रखी है उसमें मांग हम आपको दे देंगे। अभी मांग में मुख्य रूप से ये है कि हत्यारे SDM की सबसे पहले गिरफ्तारी हो और हमारे जो कर्मचारी के साथ जो एक आकस्मिक घटना हुई है, उसकी लड़की की शादी होनी है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और तुरंत उपजिलाधिकारी की बर्खास्ती की होनी चाहिए। ये माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी कहा गया है। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने अभी आश्वासन दिया है, शायद सस्पेंशन तो हो भी चुका है और वो SDM गायब चल रहे हैं। तो यहाँ सभी जनपदों में आज सभी कर्मचारी अपना कार्य बहिष्कार करते हुए तालाबंदी करते हुए गेट मीटिंग किया है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ साथ उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के साथ हमारे कलेक्ट्रेट के हमारे अधिवक्तागण भी हमारे साथ हैं, अन्य संवर्ग में स्टेनोग्राफर संघ भी है और भी हमारे जो संगठन हैं कलेक्ट्रेट के वो इसमें सम्मिलित हैं। आज का जो हमारा यहाँ धरने का जो उद्देश्य है उसमें इस घटना की निंदा, कड़े शब्दों में निंदा करने का है और यही उद्देश्य है कि जो हमारे प्रांतीय संगठन ने मांगे रखी हैं, जो तीनों हमने अभी बताई है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए SDM का और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारे कर्मचारी साथी के परिवार को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि प्रतापगढ़ की घटना के विरोध में प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं और SDM लालगंज ने पहले वरिष्ठ सहायक से मारपीट, फिर जिला अस्पताल में गला दबाकर वरिष्ठ सहायक की हत्या की गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस और प्रशासन ने आरोपित SDM की गिरफ्तारी नहीं की है और इसी विरोध में सोमवार को जिले की सभी 6 तहसील व कलेक्ट्रेट में तालाबंदी रहेगी। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।